जीवन क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है और हम इस जीवन को कैसे सार्थक बना सकते हैं और अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य जीवन एक अमूल्य उपहार है जो हमें ईश्वर की कृपा से प्राप्त हुआ है। इस जीवन का वास्तविक उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति है। मोक्ष प्राप्ति का अर्थ है जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, जिससे हम सांसारिक दुखों और पीड़ाओं से परे शांति और आनंद का अनुभव कर सकें। यह उद्देश्य तब प्राप्त होता है जब हम अपने कर्मों को सुधार कर वासनाओं से मुक्त होकर ईश्वर की भक्ति करते हैं। इस प्रकार का जीवन हमें जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति की ओर ले जाता है। मोक्ष का अर्थ है आत्मा का परमात्मा से मिलन और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति। ये भारतीय दर्शन का अंतिम और सर्वोच्च लक्ष्य है। मोक्ष प्राप्ति करने के लिए हमें अपने कर्मों को शुद्ध करना, ईश्वर की भक्ति करना और वासनाओं से मुक्त होना आवश्यक है। मोक्ष प्राप्ति से हमें जीवन के सभी दुखों और पीड़ाओं से मुक्ति मिलती है और आत्मा को शांति और आनंद का अनुभव होता है। मोक्ष प्राप्ति के लिए हमें जीवन में अनुशासन, साधना और आत्म संयम का पालन करना चाहिए। साधना के माध्यम से हम अपने मन को स्थिर कर सकते हैं और आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं। ध्यान के माध्यम से हम अपने भीतर की शक्ति को जागृत कर सकते हैं और ईश्वर के साथ एकात्म की अनुभूति कर सकते हैं। इसके अलावा हमें अपने जीवन में सत्य, अहिंसा और प्रेम जैसे मूल्यों का पालन करना चाहिए जो मोक्ष की दिशा में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। मोक्ष प्राप्ति से हम न केवल जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है बल्कि हमें सच्चे आनंद और शांति का अनुभव भी होता है। मोक्ष प्राप्त करना इस जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है और इसे प्राप्त करने के लिए हमें अपने जीवन को धर्म, सत्य और अध्यात्म के मार्ग पर चलाना चाहिए। मोक्ष की प्राप्ति से हमें संसार के सभी बंधनों से मुक्ति मिलती है और आत्मा को परमात्मा के साथ मिलन का सौभाग्य प्राप्त होता है। मोक्ष प्राप्ति के लिए सबसे पहले हमें अपने कर्मों का सुधार करना चाहिए, क्योंकि कर्म का हमारे जीवन पर सीधा और व्यापक प्रभाव पड़ता है। भारतीय दर्शन के अनुसार कर्म तीन प्रकार के होते हैं, प्रारब्ध, संचित और क्रियमाण। प्रारब्ध कर्म वे हैं जो हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का फल होते हैं और इस जीवन में भुगतने के लिए तैयार होते हैं। संचित कर्म वे हैं जो हम इस जीवन में संचित कर रहे हैं और क्रियमाण कर्म वे हैं जो हम वर्तमान में कर रहे हैं और जिसका फल हमें भविष्य में मिलेगा। इन तीनों प्रकार के कर्म हमारे जीवन के प्रत्येक पहलू को प्रभावित करते हैं। हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं और इसीलिए ये आवश्यक है कि हम अपने कर्मों को सुधारें और उन्हें धर्म, सत्य और नैतिकता के मार्ग पर चलें। कर्म सुधार का मार्ग आत्म अनुशासन, सत्संग और सत्कर्मों के माध्यम से संभव है। हमें अपने कर्मों को शुद्ध करने के लिए
ध्यान, प्रार्थना और सेवा का सहारा लेना चाहिए। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को स्थिर और शांत कर सकते हैं, जिससे हमारे विचार और कर्म भी शुद्ध हो जाते हैं। सेवा के माध्यम से हम अपने अहंकार को त्याग कर दूसरों की भलाई के लिए कार्य कर सकते हैं। सत्संग के माध्यम से हमें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो हमारे कर्मों को सुधारने में सहायक होते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने निष्काम कर्म का महत्व बताया है। निष्काम कर्म का अर्थ है बिना किसी फल की इच्छा के कार्य करना। जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो हमारा अहंकार समाप्त हो जाता है और हम अपने कर्मों के परिणामों से बंधित नहीं रहते हैं। इस प्रकार का कर्म हमें जीवन में शांति और संतोष प्राप्त कराता है और हमें मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ने में सहायता करता है। निष्काम कर्म करते समय हमें अपने सभी कार्य ईश्वर को समर्पित कर देने चाहिए, ताकि हमारे मन और हृदय में पवित्रता बनी रहे और हम मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ सकें। मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि हम निरंतर गति से ईश्वर की भक्ति करते रहें, क्योंकि ईश्वर की भक्ति मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। भक्ति का केवल धार्मिक अनुष्ठानों और पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि ये ईश्वर के प्रति प्रेम, समर्पण और विश्वास में निहित है। भक्ति के माध्यम से हम अपने अहंकार, लोभ, क्रोध और मोह जैसे नकारात्मक भावनाओं को त्याग कर सकते हैं। जब हम ईश्वर की भक्ति करते हैं तो हमारे जीवन में शांति, संतोष और आनंद का अनुभव होता है। भक्ति के मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं और अंततः हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। भक्ति के माध्यम से हम अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं और अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। भक्ति हमें सांसारिक बंधनों से मुक्त करती है और हमें आत्मिक शांति प्रदान करती है। जब हम ईश्वर की भक्ति में लीन होते हैं तो हमारे भीतर का क्रोध, अहंकार और लोभ समाप्त हो जाता है। भक्ति के माध्यम से हम अपने जीवन के सभी दुखों और पीड़ाओं से मुक्त हो सकते हैं और सच्चे सुख का अनुभव कर सकते हैं। भक्ति के विभिन्न प्रकार होते हैं, जैसे कि ज्ञान भक्ति, कर्म भक्ति, प्रेम भक्ति और ध्यान भक्ति। ज्ञान भक्ति में व्यक्ति ईश्वर के बारे में ज्ञान प्राप्त करके और उसे समझकर भक्ति करता है। कर्म भक्ति में व्यक्ति अपने सभी कार्यों को ईश्वर को समर्पित कर देता है। प्रेम भक्ति में व्यक्ति ईश्वर के प्रति असीम प्रेम और भावनाओं के साथ भक्ति करता है। ध्यान भक्ति में व्यक्ति ध्यान और समाधि के माध्यम से ईश्वर के साथ एकत्व की अनुभूति करता है। इन सभी भक्ति मार्गों का अंतिम उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और ईश्वर के साथ मिलन है, जिसे हम मोक्ष कहते हैं। मोक्ष प्राप्ति के लिए हमें अपनी हर प्रकार की वासनाओं पर नियंत्रण रखना होता है, क्योंकि वासनाएं हमारे जीवन की सबसे बड़ी बाधा होती है। ये हमें सांसारिक सुखों में उलझाकर रखती है और हमें मोक्ष की राह से भटका देती है। वासनाओं
के कारण हम अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य से भटक जाते हैं और दुखों का सामना करते हैं। वासनाएं मनुष्य को माया मोह और भ्रम में फंसा कर रखती है, जिससे हम वह अपने आत्मिक विकास से दूर हो जाते हैं। वासनाओं से मुक्ति पाने के लिए हमें आत्म अनुशासन, संयम और साधना की आवश्यकता होती है। हमें अपने मन को वासनाओं से दूर रखने के लिए ध्यान और प्रार्थना का सहारा लेना चाहिए। इसके अलावा हमें सत्संग, स्वाध्याय और अच्छे कर्मों के माध्यम से अपने जीवन को शुद्ध करना चाहिए। वासनाओं से मुक्त होकर ही हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं और मोक्ष की ओर बढ़ सकते हैं। जब हम वासनाओं से मुक्त होते हैं तो हमारे जीवन में शांति, संतोष और सच्चे आनंद का अनुभव होता है। वासनाओं से मुक्ति पाने के बाद हम अपने आत्मिक विकास की ओर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और मोक्ष की दिशाओं में अग्रसर हो सकते हैं। वासनाओं से मुक्त होकर ही हम ईश्वर की भक्ति में लीन हो सकते हैं और अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं और मोक्ष प्राप्ति की तरफ बढ़ सकते हैं। इन सभी बातों से ये निष्कर्ष निकलता है कि जीवन का असली उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है और इसे प्राप्त करने के लिए हमें अपने कर्मों को सुधारते हुए ईश्वर की भक्ति में लीन होना चाहिए। जब हम अपने जीवन को धर्म, सत्य और अध्यात्म के मार्ग पर ले जाते हैं तो हमें जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल सकती है। वासनाओं से बचते हुए हम भयंकर पीड़ा और दुखों से भी मुक्त हो सकते हैं। इस प्रकार जीवन का उद्देश्य केवल सांसारिक सुखों की प्राप्ति नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति है। यही हमारा अंतिम लक्ष्य होना चाहिए, जो हमें शांति और आनंद की ओर ले जाता है।